न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति गैड़ा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो अभी नित्या काशी को रेडी कर रही हूँ मैं स्कूल के लिए। स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं वो लोग और पवन जा चुके हैं। तो उनके जाते टाइम मेरे को टाइम नहीं था, मैं बच्चों को रेडी कर रही थी तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। फिलहाल मैं आई हूँ अपने स्टडी रूम में उनका बैग लेने के लिए और अब मैं पहले उनको छोड़ के। यहाँ पे मेरे नित्या काशी हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी और आज नित्या ले जा रही है ये वाला बैग, क्योंकि नित्या को सिर्फ अपना राइटिंग पैड ले जाना है और लंच बॉक्स। तो इसलिए नित्या यही लेके जा रही है, क्योंकि नित्या के एग्जाम स्टार्ट हो गए टर्म वन के। तो बेस्ट ऑफ लक नित्या से, थैंक यू। आप भी खुद ही हैंग करोगी? नहीं बब्बा, मैं ले जा लूंगी, नीचे तक लाओ। आप ले जाओगे? लो फिर। हाँ, मेरे काशु को भी खुद ही ले जाना है। आज मेरा काशु हैप्पी है क्योंकि आज उसके साथ उसकी दीदी है। लेकिन मेरा शेर का बच्चा है, वो अकेले भी चला जाता है ना। चलो चलो। नित्या का हेयर स्टाइल चेंज कर दिया बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। मैंने यहाँ पे कर दिया सारा रूम क्लीन और अब मैं जाती हूँ ये कपड़े डालने छत पे। मेरे एक शिफ्ट के कपड़े धुल गए, और भी एक शिफ्ट के बचे हैं, पहले ये डाल के आती हूँ फिर और दूसरे शिफ्ट के डाल। बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रहा है। बाकी पूजा तो मैंने पहले ही कर ली थी बच्चों के साथ स्कूल जाते टाइम, उनकी भी हैबिट में डालती हूँ कि थोड़ा सा मंदिर में आरती वगैरह नहीं भी करें तो एटलीस्ट हाथ तो जोड़ ही लें। ये और यहाँ पे मम्मी के कपड़े टाँचे जा रहे हैं और पापा देखिए कहाँ सोए हुए हैं, वो नीचे, वो देखो घोड़े बेच के सोए हैं पापा। इतनी जबरदस्त नींद आई है ना पापा को, क्या बताऊँ। और यहाँ पे कपड़े टाँचे जा रहे हैं। बाकी मैं, मम्मी आप फैन ऑन है यार बैठक में। बाकी मैं जाती हूँ अब नीचे, क्योंकि मेरी नित्या काशी ने बोलते हैं कि मम्मा पहले से वेट करके रखा करो, आप वहाँ पे खड़े रहा करो। जब हमारी बस आती है हम दूर से देखते हैं कि मम्मा खड़ी है या अम्मा बूबू खड़े हैं, और आप अगर दौड़ते हुए उसी टाइम आओगे तो फिर हमको बुरा लगता है। तो इसलिए अब मुझे जाना है नीचे, थोड़ी देर उनका वेट करूँगी। उनकी बस के आने का टाइम हो चुका है आजकल, क्योंकि जल्दी छुट्टी 11 o'clock भी हो रही है उनकी। बाकी आज देखते हैं, नित्या का इंग्लिश का एग्जाम था तो कैसा रहा उसका एग्जाम वो तो नित्या ही आने के बाद बताएगी, तो नित्या से ही पूछेंगे। फिलहाल मैं उनको लेके आती हूँ पहले। वो लंच बॉक्स से दिखा रही होगी मुझे फिनिश किया करके। ले ये देख नित्या, आजकल मेरी काशी देख पूरी वेजिटेबल फिनिश करके आ रही है बेटा, पूरा खाना फिनिश। देखा, इसकी मैम से कंप्लेन नहीं करूंगी, और नित्या की मैम, अगर नित्या ने नहीं किया होगा तो मैं कंप्लेन करूंगी। ये फिनिश है, नहीं है इसमें, मुझे पता चल गया। वेरी गुड, बच्चा तो अच्छा हो गया है, सारी सब्जी फिनिश करके आता है। बस वाले भैया खा रही थी पक्का। बहनी का कैसे फिनिश हुआ फिर? अच्छा, अरे आपका एग्जाम था, चल कोई नहीं, आज छोड़ दे रही हूँ। शूज वहाँ रख के आओ। चलो अवकाशी शूज यहाँ पे नित्या काशी चेंज कर लिया है स्कूल से आके। तो अब नित्या बताएगी उसका फर्स्ट एग्जाम कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था। अच्छा था, पर अच्छा था। जो मम्मा ने याद कराया था सब आया। कौन कौन सी, किस किस वर्ड की आई थी वर्ड मीनिंग? अरे यार, एक तांजुल हाँ, एक हैप्पी और एक मत कर काश, मत कर नहीं खोलूं। और कोई मम्मा ने जो याद कराया था सब आया था? कुछ अलग कैसे आया था? कुछ भी नहीं आया, बस वो मत भी नहीं आई। बस क्यों? अरे बेटा सब वही आया होगा, मैंने अलग तरीके से लर्न करवाया लेकिन मैम ने क्वेश्चन अलग तरीके से दिए होंगे। क्या अलग कराया मैंने? तो वही तो आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया था? फिल इन द ब्लैंक्स भी आया पर अलग। क्वेश्चन पेपर नहीं मिला आपको घर के लिए? ना। नहीं, अच्छा पेपर में ही आंसर लिखने थे? हाँ नहीं नहीं, मैम ने वो क्वेश्चन पेपर नहीं। मतलब वो घर पे लेने दिया, हमने उस पर लिखा जो वो नहीं होता पेपर जो वाले क्लास में दिया था। तो दोस्तों पता नहीं क्या ही करके आई है नित्या एग्जाम में। अब इसका कल को रीडिंग का है, फिर परसों इसकी का हॉलीडे है, फिर उसके अगले दिन है हिंदी का। तो अभी थोड़ा देर रिलैक्स होने के बाद फिर पढ़ाऊंगी इनको। ना, 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 अभी ना। इनकी अम्मा ने इनके लिए निकाल रखे हैं अखरोट के दाने, जो मैंने भी खाए थे, ये इतने सारे निकाले। पहले बाउल ले जाओ, अपने लिए भी, पहनी के लिए भी।
सारे तो अब इनमें बराबर में बंटवारा कर रही हूँ। नहीं ये घपलेबाजी नहीं चलेगी, घपलेबाजी नहीं चलेगी। का सुनो, ऐसे घपलेबाजी करके नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं चलती। नहीं। अच्छा अच्छा मैं दे रही हूँ, चल दे रही हूँ। अच्छा दे रही हूँ, चलो एक एक खाने के लिए। एक नित्या को दे दो खाने के लिए, जिसमें कुछ ना था। एक काशी को दे दो खाने के लिए, ठीक है। एक नित्या, एक काशी, आपने उसने उसमें डाल दिया। एक नित्या, एक यार ये बंटवारा ढंग से नहीं होने देगी। काशी ले ले, उसने तेरे उसमें तो डाल दिए। ले तो फोन साइड रख के मैंने इनका कर दिया बराबर बंटवारा। दिखाओ बराबर हुआ नहीं कटोरा, दिखाओ फिर मैं और दूंगी और बनाऊंगी। कटोरा दिखाओ बराबर हुआ नहीं, गिर गया वो, खा गिर गया काशू तेरा। खबर होगा, खबर बराबर हो, गिराओ नहीं। एक मेरे को दे दे दीदी, तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद इन दोनों बहनों का काम देखो, यहाँ पे बना दिया टेंट हाउस और अब इनसे छीना जाइए फोन। ए बेटा क्या टेंट, खाना 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 खाने आ जाओ। फोन मेरे हाथों आ गया, जल्दी आओ खाना खाने आओ फटाफट। दोस्तों अभी आ चुके हैं यहाँ पे हमारे वेदांत और वैभव, और आज ये लोग आ रहे हैं लेट क्योंकि इनकी मम्मा बोल रही थी कि वैभव और वेदांत सोए रह गए थे आज, है ना। हाँ दोनों सोए रह गए थे और मेरे अभी दोनों सोए हुए हैं, नित्या और काशवी। तो अभी दोस्तों क्लास लेती हूँ, मैं भी सोई थी, मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठ रही हूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा है ना, तो जिस मौसम अच्छा होता है उस दिन सभी को ही नींद आती, बड़ों को ही आती है तो बच्चे ही हैं। तो आज का टाइम कुछ शाम का हो रहा है 6:30 और अभी नित्या काशी के लिए दूध बना दिया मैंने और अब मैं जा रही हूँ छत में उनको दूध देने। अंधेरा भी होने वाला है कुछ ही देर में। और अभी सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ सब्जी काटी है मम्मी ने और आटा गूंथ दिया है मैंने। अब सब्जी चढ़ाती हूँ, पहले मैं छत में बच्चों को देखे आती हूँ। यहाँ पे नित्या काशी का दूध रेडी है। नित्या काशी दूध, और ये दूध मुझे ना एक बूंद इसमें नहीं मिलना चाहिए, दोनों का फिनिश होना चाहिए, एक बूंद नहीं रहना चाहिए अगला, मैं फिर ना मुंह बंद कर दूंगी। आओ बाबा को प्रसाद चढ़ाओ, थोड़ी चॉकलेट खिलाओ, मैं फिर ये चॉकलेट वॉकलेट सब बंद करवा दूंगी। ये वो देखो, वाह बेटा वाह वाह वाह, आज से इनके लिए कुछ मत लाना। अच्छा मेरे दूध मीठा नहीं होता ना, इसमें धरा देती हूं। दूध गिरेगा, अब मीठा लगेगा भी नहीं चॉकलेट खा के, और पूरा फिनिश होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ तुम मत करना, मैं कर लूंगा। आज का गेम हमारा ऐसा है कि मैं इनको डंडे से मारने को जाऊंगा और इन्होंने जो याद किया है वो बोलना होगा। काशी करेगी अल्फाबेट्स का, नित्या करेगी वर्ड्स का, हिंदी का, हिंदी के वर्ड्स, क्योंकि कल इसका हिंदी का टेस्ट भी है, ठीक है। चलो फिर अक्कला बक्कला 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 बोल नित्या। रिवर हिंदी का वर्ड है, आसाना। ओके काशी, नित्या बता क्या पढ़ा अभी, हैं पत्ते। ओके ओके बोलो, तू उल्लू ही बोलना है। क्रॉस, हम पहले इंग्लिश का तो कल हिंदी का है ना। अरे हिंदी तो, अरे अभी नीचे जाते लंद, अरे अभी मुझे 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 मुझे। चलो नित्या ब्रेक 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 उसाउन उसाउन। आपका क्रॉस, आपका रिवर। रिवर कितनी बार बोलेगी? नहीं नहीं रिवर नहीं बोला था, ब्रेक बोला था मैंने। ओके और आपका क्या? बी से क्या? बी से क्या? बी, अच्छा मधुमक्खी, मधुमक्खी बोला तूने, फिर खाली बी बोला ना। हाँ बी फॉर बॉल ऐसे बोलना। हाँ नित्या आपका अगला वर्ड, हाँ ए नीचे जाएगी सीधे इधर को आ जा। स्टेज क्या क्या? स्ट्रॉ, अच्छा स्ट्रेच स्टिक स्टिक। हाँ भाई साहब आपका क्या था? हेलो सब्सिडी कैट आपका है क्या? डी डी फॉर डॉग। और आपका नित्या री, आपका एलिफेंट, एलिफेंट से कितने वर्ड? नित्या को मैं देने वाला हूँ अल्फाबेट्स और उस पर नित्या बताइए कोई वर्ड। हाँ हाँ चल बता। एस फॉर
एस एस से ओके आप बताओ वन ओ अल्फाबेट था हाँ के भाग यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में आ गई बाहर भगाओ इसको हाँ ठीक है हाँ और एन नेक्स्ट मत बोलना ओके सी फॉर तो सी फॉर मिल्क होता है सी फॉर काव होता है चल हाँ काशी आपका टर्न क्या बोलोगे आप नंबर ए ओके नित्या इधर को आओ नहीं नहीं वहाँ नहीं इधर आओ नित्या आपका वर्ड है पी पैरेट मत बोलना पी फॉर पापा भी तो होता है अब पापा मत बोलना पी फॉर पी क्या होता है पी अरे मटर मटर को पी बोलते हैं क्या बात कर रही है इतने टाइम से खा लिया पता नहीं चला इसको पी बोलते हैं स्पेलिंग क्या होती है इसकी पी ई ए होती है क्या हाँ जी गोड मत बोलना अरे वाह और काशी आपका वर्ड क्या है वेरी गुड और कलर आप कलर के नाम बताना मुझे एन फॉर फंस गई चाय आ गई है हमारी आज शानदार माता जी के हाथों में हमें डंडा लेते हुए और हम चाय लेते हुए आज देख सकते हैं गरम चाय हाँ सही कह रही तू जीत गई कोई भी वर्ड मैं यहीं से लूंगा तुझे उसके चारों तरफ देखना होगा ठीक है सी से आसपास क्या पड़ा है सी से क्या है ध्यान से देख आसपास कुछ सी से पड़ा है अबे सी फॉर मिल्क होता है सी फॉर कप होता है कप पड़े हैं वहां दो कप नहीं बोला तूने चल और टी से क्या है आसपास टी से क्या है आसपास का सी हैन दिख रही है इसको भाई ओके आर से क्या है आर से कुछ है क्या पता जिसमें तू खड़ी है इसको भी आर से कुछ बोलते हो छत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं रूफ चल डब्ल्यू से पता काशी पता डब्ल्यू से आसपास क्या पड़ा है वाटर का है वाटर का है अच्छा वाटर ओके ऐसे ऐसे पता चल काशी ऐसे क्या है तेरे आसपास नीचे ऊपर ऐसे झूला यही पढ़ाया लिखाया फीस बर्बाद पैसे बर्बाद सब बर्बाद रुक जा तेरी मम्मी से पूछते हैं आजा मम्मी इधर आ ओ मम्मी इधर आ आपके पास क्या है एच से क्या है ये देखो है ना कहाँ है हेडफोन है काशी बताइए सोच टी से क्या है तेरे मुंह में जी अच्छा टी से जी पैसा बर्बाद पूरा पैसा बर्बाद हाँ हाँ टंग भी और एक और चीज है क्या है टीथ चलो तुम्हारे सर में ऐसा क्या है जो मेरे सर में नहीं है अरे वाह अपने पापा की बेइज्जती कितनी बुरी तरीके से मारी बेटा तुमने मम्मी के हाथों में एम से क्या है तो फोन को क्या बोलते हैं वेरी गुड अच्छा ये आईफोन बाप रे काशी एफ से क्या है एफ से हमारी छत में क्या है एफ से एफ एफ और फिश से हाँ कुछ है जो अभी उड़ रहा है अबे एफ फॉर बटरफ्लाई कहाँ होता है यार नित्या हैं चिड़िया एफ से होती है शाबाश बेटा पूरे पैसे बर्बाद वो देख वहां पे फ्लैग एफ फॉर फ्लैग बता एम से ऐसा क्या टोटल वेस्ट है जो घूम रहा है यहाँ पे अभी एम से मदर टोटल इन्वेस्टमेंट वेस्ट वो देखो वो हाँ हाँ अच्छा बताओ यहाँ पर ना जेट से क्या बना हुआ है जेट से हाँ जेट से तलाक बताओ जेट से कोई कलर ही नहीं होता है हाँ हाँ वेरी गुड आर से आर से कोई कलर बताओ रेड और पी से पीछे तो वेजिटेबल बताओ पीछे वेजिटेबल पी मत बोलो क्या पीछे तो पी होगा नहीं नहीं पीछे पी तो सार बोलो पोटैटो हाँ वेजिटेबल बता तो हाँ नदी का ना आवाज नहीं आएगी फिर अरे नहीं वो रोशनी आ रही ना अरे नदी का आवाज हाँ बताओ आप बताओ ऐसे ऐसे तो ऐसे तो ही एयर ऐसे तो आपको एयर बोलते हैं एयर मैं जीत गया हाँ बताओ यहाँ से एस में क्या पड़ा है ऐसे क्या पड़ा है हाँ
ऐसे सनग्लासेस, मेरी आंखों में चश्मे को सनग्लासेस बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पर अच्छा ना बना हुआ है, यहाँ पर अच्छा ना बना हुआ है जो आपका अदल बदल है। हाँ अच्छा हाँ, बना हुआ है जो आपका अदल बदल है। पता नहीं यार, हाउस हाँ हाउस हाँ हाँ अब तो बता ही नहीं है हाउस बोलते हैं तो अब बताओ हाँ अब बताओ अब बताओ यहाँ पर एम से ना पड़ा हुआ है। वेरी गुड, मेरी सवाल पूछ रही है। वेरी गुड क्या कह रही है?